अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 360 डाटा साइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम 2022 नाइन्थ क्लास, जो कि न्यू बुक है। तो इसका जो सबसे पहले देखेंगे हम कि पेपर पैटर्न क्या है और उसकी स्कीम क्या है। तो प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं बीच में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। तो उसके बाद लेट स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिलेबस देखते हैं, आपके पास कितने चैप्टर्स हैं। टोटल हैं 5 चैप्टर, 1, 2, 3 और 5। और इसमें प्रैक्टिकल वाला जो चैप्टर है वो है 5 प्रैक्टिकल चैप्टर्स। तो इसके जो प्रैक्टिकल्स के हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल पे भी वीडियो बना दी है, ठीक है ना। तो आप चैनल में जाके या लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सो उसके बाद पहला जो आपका पोर्शन होगा वो होगा आपका एमसीक्यूज़ का, जिसमें 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है, 10 एमसीक्यूज़। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 6 आपके पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, और 4 × 2 = 8 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है सेकंड जो होगा पोर्शन, थर्ड होगा, पहला आपका एमसीक्यूज़ का है, दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, एक और पोर्शन तीसरा जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, उसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 करने हैं आपको। एक और आपका पोर्शन होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, उसमें भी आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं। टोटल आपके 34 मार्क्स हो जाएंगे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक हो गया। 24 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे। उसके बाद लास्ट पोर्शन जो होगा वो होगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसमें आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 2 को सॉल्व करना है। ये टोटल आपके 16 हो जाएंगे, और टोटल आपका जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पेयरिंग स्कीम की, कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन, कितने एमसीक्यूज़ और कितने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। पहले देखते हैं कि पहले चैप्टर में आपके 2 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, सेकंड चैप्टर में आपके 3 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं क्योंकि वो नंबर सिस्टम वाला है, तीसरे चैप्टर में आपका 1 एमसीक्यूज़ बन रहा है, चौथे में 2 और पांचवे में 2 बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे और पांचवे में आपके 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, फर्स्ट सेकेंड जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें आएगा कि चैप्टर 1 और जो है थर्ड उसको बनाया गया, उसको कंपेयर किया गया है, वहाँ से आपके आएंगे 6 क्वेश्चन, 3 आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 1 से और 3 आएंगे आपके चैप्टर नंबर 3 से आएंगे। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो होगा पोर्शन, वो होगा सिर्फ सेकंड चैप्टर होगा, और सेकंड चैप्टर में से ही आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, 6 मार्क्स का। तो उसके भी आपको मैंने लेक्चर बना दिए हैं, वो भी आप सेकंड चैप्टर अच्छे से कीजिएगा, उनके जो है नंबर सिस्टम पे कन्वर्जन सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास जो है ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, इसमें आपको बनाया गया है चौथे और पांचवें चैप्टर को। तो पांचवा क्योंकि आपका प्रैक्टिकल है लेकिन वहाँ से थ्योरी ही आएगी, तो ये आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो सेकंड और पांचवें में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अभी लास्ट पे जो आपके हैं वो है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बनेंगे, अब लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है, इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इंशाल्लाह। ये 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, और इनमें से आपको 2 करने हैं, और जो प्रोग्राम है वो आपके जो है उसमें से आ सकता है, लेकिन उसमें से सिर्फ थ्योरी आ सकती है, सही है, ओके। और बाकी इस इंशाल्लाह बाद में आपके लिए मैं गैस पेपर भी ला रहा हूँ इंशाल्लाह, कुछ तकरीबन 50 से 60 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह, उसमें से आपका 50 मार्क्स का पेपर जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके साथ ही इंशाल्लाह मैं ला रहा हूँ आपके लिए ओल्ड पेपर सॉल्व करके, ठीक है ना, सॉल्व ओल्ड पेपर के, जो लास्ट टाइम एक ही अभी तक इसकी अटैम्प्ट हुई है क्योंकि बुक चेंज हो चुकी थी, तो उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह ला रहा हूँ, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।